चलिए, तो ये था हमारे पास हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला पार्ट, ये प्रिसाइज वाला पार्ट और ये रिच वाला पार्ट। जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, और थैलियम, ये वाले जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ये बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। अब इनके हाइड्राइड्स को मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोल रहा हूँ वो देखो। जैसे सपोज करो मेरे पास बोरोन था, तो मैंने बोरोन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करके एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन शो करके बोरोन का हाइड्राइड बना लिया BH3। ठीक है, इसमें दिक्कत हमारे पास ये है, बोरोन के वैलेंस शेल में होती है 3 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको किसी भी एलिमेंट के वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो जो भी उनका ग्रुप नंबर होता है उसमें से 10 माइनस कर दिया, इसका ग्रुप नंबर जो है वो 13 है, 13 में से 10 जाएंगे तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3। तो बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे। तो बोरोन के ऑक्टेट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 + 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4th चैप्टर में आपने ऑक्टेट भी पढ़ा था, उसमें आपने ये बात बोली थी भी किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए उसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, और इसके ऑक्टेट में रिक्वायर्ड नंबर से इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल रहे हैं। सेम जो कहानी है वो बाकी सब पे भी अप्लाई होगी। एल्यूमिनियम के हाइड्राइड्स, गैलियम के हाइड्राइड्स, ये सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इन सभी के केसेस में हमारे पास ऑक्टेट के अंदर रिक्वायर्ड नंबर से कम इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। समझ में आ गया? तो ये है हमारे पास हमारा ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स का केस। फिर मैं आ जाता हूं ग्रुप 14 पे। ग्रुप 14 में हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनके साथ जब मैं हाइड्रोजन कंबाइन करके हाइड्राइड बनाऊंगा तब मेरे पास हाइड्राइड के इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। हाँ जी, आवाज आ रही है क्लियर? नो सर, क्लियर नहीं है। मैं क्लास में आपकी आवाज क्लियर आ रही है अभी? जूम पे आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, तो ग्रुप 14 में हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स हैं, मैं इनके साथ हाइड्रोजन कंबाइन करके इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स बनाऊंगा, तो इनकी वैलेंसी जो है वो 4 है, क्योंकि ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, तो 4 वैलेंसी होने की वजह से ये चार चार हाइड्रोजन को अपने साथ कंबाइन करेंगे। अब सपोज करो मेरे पास कार्बन का ये वाला हाइड्राइड बन गया, कार्बन के इस हाइड्राइड को आप क्या बोलते हो, मिथेन बोलते हो। इसमें कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन भी लेके आएगा, हमारे पास टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होती हैं, और इनके पास टोटली 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ऐसे हाइड्राइड्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बोलते हैं, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हमें ऑक्टेट में रिक्वायर्ड थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं आ रहे। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में ऑक्टेट में रिक्वायर्ड से कम आते हैं, इसमें हमारे पास जितने ऑक्टेट में रिक्वायर्ड है उतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। फिर मैं बात करता हूं इनकी ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 की। ग्रुप 15 में मेरे पास आ जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक,
एंटीमनी और बिस्मत। 16 में आ जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। क्लोरीन 17 में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन। 18 को बोलते हैं एस्टाटिन। तो ये वाले हमारे पास हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं 15, 16, 17 में। अब इनके पास कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके पास है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या होगा, देखो जब हम हाइड्रोजन को इन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेंगे तो इन एलिमेंट्स के कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे रह जाएंगे जो हाइड्रोजन को कंबाइन नहीं करेंगे। जैसे सपोज करो इसके पास 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब मैंने नाइट्रोजन का हाइड्राइड बनाना शुरू किया ना, तो नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 3 हाइड्रोजन को बुलाया। 3 हाइड्रोजन को बुलाते ही इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन ऑक्टेट पूरा हुआ, ऑक्टेट पूरा होने के लिए 3 पेयर्स को मैंने लिए, एक लोन पेयर बन गया फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट। तो ऐसे हाइड्राइड्स जिनके पास सेंट्रल एटम में लोएस्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कंबाइन होकर हाइड्राइड बनाएंगे, उन हाइड्राइड्स को हम ये बोलते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन फालतू है। आपके पास ये 2 हाइड्राइड बना लेते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो हमारे एलिमेंट्स हैं हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बोलते हैं। ऐसे जिसमें हाइड्राइड फॉर्मिंग के बावजूद भी कुछ इंटरेक्शन है ऐसे लोन पेयर, फिर हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। सेम ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का हाइड्राइड कौन सा होता है, वाटर। तो जब ऑक्सीजन अपना हाइड्राइड बनाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर रह जाएंगे, यानी कि हमने सेंट्रल एटम के सारे हमारे सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो क्या बनेगा, ठीक है भूमिका चंद्र सारिका कीर्ति, ठीक है सृष्टि, ठीक है पूछना है तो ठीक है कीर्ति। ये हमारे पास हमारा हाइड्राइड्स का टॉपिक, हाइड्राइड्स का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स हैं, उनकी मैं प्रॉपर्टी आप जो प्रॉपर्टी मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस प्रॉपर्टी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। एक्चुअल में जो हमारे टीम के जो पहले पहले एलिमेंट हैं, यानी नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये हमारे पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। जो हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है ना, उनमें से ये 3 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नंबर वाइज अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है ऑक्सीजन और फिर होता है नाइट्रोजन। इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ हमने हाइड्रोजन कंबाइन करके हाइड्राइड बना दिया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नाइट्रोजन के पास होता है 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर और फ्लोरीन के पास होती हैं 3 लोन पेयर हाइड्राइड बनाने के बाद। तो यहाँ पे इनके जो ये लोन पेयर हैं, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जब हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, मतलब एक नाइट्रोजन का दूसरे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, जब आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हो तो उसे हम बोलते हैं
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे जो यहाँ पे ये हाइड्रेट्स हैं, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये तीनों के तीनों कौन सी बॉन्डिंग शो करेंगे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने की वजह से ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले आप इन मॉलिक्यूल्स को अलग अलग पढ़ रहे थे, सेपरेटली पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, तीन तीन मॉलिक्यूल्स, चार चार मॉलिक्यूल्स का ग्रुप बन जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स की बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने का मतलब है प्रॉपर्टीज अच्छी हो गई, प्रॉपर्टीज बेटर हो गई। तो नाइट्रोजन जो है वो अपने मेंबर्स, जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनसे ज्यादा शो करेगा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, और बाकी जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई है। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, उसकी वजह से एसोसिएशन होगी, और एसोसिएशन होने की वजह से बाकी मेंबर से ज्यादा आएगा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। सेम केस विद द फ्लोरीन। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का फायदा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वही बना सकते हैं जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होगा, और लोन पेयर किन पे प्रेजेंट है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो ये हमारे पास हमारा हाइड्राइड का टॉपिक था, ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया। हाइड्राइड्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन चैप्टर में, जो हमें सेकंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ रहे हैं, वो वैसे हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो चैप्टर में सेकंड इंपॉर्टेंट है, वाटर। जो आपने अभी इतने सारे हाइड्राइड्स पढ़े हैं ना, उनमें से हमने कौन सा हाइड्रेट चूज किया डिटेल में पढ़ने के लिए, वाटर को। पानी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, इसमें कुछ टॉपिक में आपको फोर चैप्टर वाले भी करवाऊंगा, फोर चैप्टर वाले टॉपिक रिपीटेड है, और बाकी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो तो कंटिन्यू रहेगा। हम बात करेंगे पानी के अकरेंस के बारे में, हमारी अर्थ के ऊपर पानी जो है वो किस किस फॉर्म में कितने कितने परसेंट मिलता है। सेकेंड हम बात करेंगे हमारे पानी के स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, 90% क्वेश्चन जो है वो आपके स्ट्रक्चर वाले पार्ट से बनते हैं इस टॉपिक में। और फिर हमारे पास आएगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, दो ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा नहीं, दो में से एक एक्सप्लेन कर चुका हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। और लास्ट पार्ट हमारा होगा इसके पास केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो वाटर मॉलिक्यूल में हमें पढ़ते हैं अकरेंस, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टार्ट करते हैं हम वाटर के अकरेंस। तो टॉपिक में हमें यह बताना है कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल, हमारा जो वाटर है यानी कि पानी के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, अर्थ पानी किस किस कंपोजिशन में और किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हमारे पास अर्थ पे वाटर की जो टोटल वॉल्यूम में से 97.33% एग्जिस्ट करता है ओशियंस की फॉर्म में। अर्थ पे इतना भी पानी अवेलेबल है ना, उसका 97.33% जो है वो अवेलेबल है ओशियंस की फॉर्म में, यानी कि सागर महासागर। तो फिर जो हमारे समुद्र है, सागर है, महासागर है, उनमें तो पानी के लायक है ही। तो मतलब जो 100% वाटर हमारे अर्थ पे अवेलेबल है उसमें से 97.3% तो पी लायक नहीं है, नमकीन देखते हैं। फिर हमारे पास आते हैं आइस और ग्लेशियर्स। ये मैं आइस उसकी बात नहीं कर रहा जो बर्फ पड़ गई हिमाचल में, शिमला में या जम्मू कश्मीर में, वो वाली आइस नहीं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो आइस प्रेजेंट, एंटार्क्टिका वगैरह, ठीक है। जो हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आइस प्रेजेंट है उसका हमारे पास कंपोजिशन है 2.04%। जो हमारे पानी की टोटल अमाउंट है अर्थ पे
उसमें से 2% लगभग आइस और ग्लेशियर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। इतना हो गया ये हमारे पास 99.37%, मतलब जो हमारे पास टोटल वाटर की वॉल्यूम अवेलेबल है उसमें से 99.37% तो यूज नहीं कर सकते। इसको इसलिए यूज नहीं कर सकते, ये खारा है। इसको इसलिए यूज नहीं कर सकते, एंटार्क्टिका से अगर पानी कौन लाया जाएगा? सिंपल सी बात है ना, एंटार्क्टिका वाला पानी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये वाली जो आइस है या ग्लेशियर्स है मेल्ट हो रही है, पर ये मेल्ट होकर ओशियंस में डिजोल्व हो रहे हैं, हमारे किसी काम नहीं आ रहे, बल्कि ये तो हमारा नुकसान कर रहे हैं। ये ओशियंस में डिजोल्व हो रहे हैं, ओशियंस का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो वो जो हमारा ग्राउंड पार्ट है उस पे आ रहे हैं, हमारा ग्राउंड पार्ट छोटा होता जा रहा है। अगर ये सारे आइस और ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो जाएंगे तो ओशियंस का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि वो सारे ग्राउंड को कवर कर लेंगे, हमारी जो अर्थ है वो सारी पानी से भर जाएगी। तो ये भी हमारे लिए दिक्कत की चीज है। तो 100% में से 99.37% तो हमारे किसी काम का ही नहीं है, यानी कि हमारे लिए जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ 0.63%। इसमें से भी 0.61% है ग्राउंड वाटर, जो जमीन वाला पानी होता है जो आप ट्यूबवेल वगैरह यूज करके निकालते हो। तो ग्राउंड वाटर की कितनी अमाउंट है? 0.61। ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, सिर्फ की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में जो पानी है 0.61% जो है वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है। इंडिया में तो काफी हद तक ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म हो चुका है। बेंगलोर चेन्नई जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज है उनमें ग्राउंड वाटर बचा ही नहीं है। तो सिरसा मेट्रो सिटीज में जाने की जरूरत ही नहीं है, सिरसा में भी ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म होने की कगार पे है, लगभग खत्म हो चुका है। तो ग्राउंड वाटर था 0.61%, यानी कि रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, जो माउंटेन से पानी निकलता है वो हो गया, और जो हमारे मॉइस्चर है मतलब जो एटमॉस्फेयर में नमी प्रेजेंट है वो सारी मिला के कितनी है? 0.02%। तो मतलब जो अपनी नदी वगैरह होती है वो सिर्फ 0.02% ही पानी कंटेन करती है टोटल वॉल्यूम का, और आपका भी इन्हीं पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। अगर बारिश आएगी, नदियों में पानी आएगा तभी अपने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पानी के अक्रेंस की सारी कहानी। 99.37% मतलब ऑलमोस्ट वॉल्यूम जो है वो सारी पीने लायक ही नहीं है। तो अगर आने वाले टाइम में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है जब आप इस पानी को पीने लायक बना लेंगे तो शायद आप बच सकते हैं। ये तो पानी तो हमारे लिए बड़ी जरूरी चीज है और उसके अमाउंट जो है वो पीने लायक काफी कम है, हमारे सर्वाइवल के चांसेस कम है आने वाले टाइम। तो ये हमारे पास हमारा अक्रेंस का टॉपिक था। अक्रेंस के टॉपिक में कुछ पूछने हैं तो हैंड रेज करो, नहीं तो ये सब लिख दो। ठीक है कीर्ति, चिंदर, सारिका, सृष्टि, तो ये था हमारे पास हमारा अक्रेंस का टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हमारा स्ट्रक्चर का टॉपिक। स्ट्रक्चर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में जो डिटेल्ड हमारा टॉपिक है वो ये, इसमें मैं आपको और कुछ डिटेल में नहीं बताना। जैसे अक्रेंस में मैंने आपको 3-4 बातें बता दी, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ही है, केमिकल प्रॉपर्टीज 4-5 से ज्यादा नहीं है, वो भी रिएक्शंस। मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? स्ट्रक्चर पे रहेगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है। अब वाटर हमारा मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O मॉलिक्यूल, ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ये गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है जिसे आप वेपर बोलते हो, ये लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है जिसे आप वाटर बोलते हो,
और फिर ये सॉलिड स्टेट में भी एक्सिस्ट करता है जिसे आप आइस बोलते हो। तो अगर ये तीनों स्टेट्स में एक्सिस्ट करता है तो तीनों स्टेट्स में इसका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, अलग अलग होते हैं। तो हमें इसका स्ट्रक्चर जो है वो तीनों स्टेट्स के लिए पढ़ना पड़ेगा और इसलिए हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर को आप इतने डिटेल से कर रहे हैं, पहले आप गैसियस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर आप लिक्विड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर आप सॉलिड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है। इसमें से फिर जो ये सॉलिड वाला स्ट्रक्चर है ना, इस पे क्वेश्चन आती होती है, दो ही क्वेश्चन बनते हैं, वो दो क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करती है स्ट्रक्चर से, और स्ट्रक्चर में मैं आपको जो पहले बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ गैसियस स्टेट का स्ट्रक्चर, यानी कि जब हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे वेपर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो गैसियस मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने सुना हुआ है, जो हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी उनमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं वो नेगलिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं, ना तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना ही रिपल्सिव फोर्सेस, जिस वजह से हमारे जो वेपर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते हैं। दूर दूर रहने का मतलब है कि हम हर एक मॉलिक्यूल को सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर कर सकते हैं, ग्रुप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि जब मैं आपको गैसियस मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो मुझे यहाँ पे सिंगल वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताना है, ग्रुपिंग इंक्लूड नहीं करनी। तो जस्ट मैंने आपको सिंपल वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताया। अगर मैं सिंपली बात करूं तो हमारा जो सिंगल वाटर मॉलिक्यूल होता है इसमें ऑक्सीजन होता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल सकते हो, जो मेथड मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया था, तो वो मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं तो यहां पे रिपीट नहीं करता। मैंने उसी मेथड से निकाला ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, एक s और 3 p, मतलब टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। 4 में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में यूज कर लेता हूं हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, जो ऑक्सीजन के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन साथ ओवरलैप होके ऑक्सीजन हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, 4 में से 2 तो मैंने यूज कर लिए 1 और 2, बाकी जो 2 बच गए उनके अंदर प्रेजेंट होता है लोन पेयर, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, वो क्या रखते हैं सिर्फ अपने पास लोन पेयर रखते हैं। तो ये है हमारे लोन पेयर जो कि हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, 2 बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं और बाकी के 2 जो है वो लोन पेयर बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, लोन पेयर को स्टोर करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से वो बनाएंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो हमारे ऑक्सीजन को बनानी चाहिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन इसमें 4 बॉन्ड पेयर है, हमारे पास है यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर्स। तो ये 2 तो लोन पेयर होते, जो लोन पेयर होते हैं वो स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास बेंड स्ट्रक्चर। एक्चुअल में टेट्राहेड्रल आना चाहिए था, लेकिन टेट्राहेड्रल तब आता जब चारों में 4 बॉन्ड पेयर होते, बॉन्ड तो 2 ही बन रहे हैं, 2 लोन पेयर स्टोर कर रहे हैं, इसलिए हमें जो ज्योमेट्री बनानी है वो कौन सी बनानी है, 2 बॉन्ड पेयर्स वाली, फिर वो बनती है बेंड शेप। प्रॉपरली अगर मैं शो करूं इसको बना सकते हो, प्रॉपरली अगर मैं शो करूं तो ये ज्योमेट्री है। ठीक है, जो हाइड्रोजन होते हैं हमारे वो बेंट के तरीके से, मतलब बेंट होके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं। फिर मैंने बोला था इसके पास 2 लोन पेयर भी है, तो वो लोन पेयर आप ऐसे शो कर सकते हो, एक लोन पेयर ये रहा और दूसरा लोन पेयर। तो ये हमारे पास हमारे वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वेपर कंडीशन में। ठीक है, अब अगर मान लो इसके पास 4 बॉन्ड पेयर होते, फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल आता है हमारे पास 109.5 डिग्री, हिंदी में बोलो तो 150 डिग्री। ठीक है ना, तो इतना बॉन्ड एंगल आना चाहिए, तो ये भी टेट्राहेड्रल था,
बाद में बेंट हो गया लोन पेयर्स की वजह से। ये जो लोन पेयर्स है ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड पेयर्स को रिपल्शन देंगे। रिपल्शन देने की वजह से ये वाले जो दोनों बॉन्ड पेयर है ये थोड़ा एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और जब ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर देंगे, जो हमारे पास आ जाएगा 104.5 डिग्री का। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल जो होता है वो इतना नहीं होता, वो इतना होता है। क्यों? ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये हमने वहां पे भी देखा था फोर्थ चैप्टर में भी, जब हमारे पास सारे बॉन्ड एंगल होते हैं तो एंगल प्रॉपर आता है, लेकिन जब हमारे पास लोन पेयर आते हैं तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर कंपेयर करके प्रॉपर एंगल से वैल्यू थोड़ी सी चेंज करवा। तो ये हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर आ गया किसका, वेपर वाटर मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर वाला काम जो है खत्म हो गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास हमारा वेपर का स्ट्रक्चर। अगर इसमें कुछ पूछना है तो एड्रेस करो, नहीं तो ये सब लिख दो। ठीक है चिंता, भूमिका, सृष्टि, सारिका, कुछ चलिए। तो ये था हमारे पास हमारा वेपर का स्ट्रक्चर, गैसियस फॉर्म वाला स्ट्रक्चर हमने कर लिया। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है लिक्विड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं आपको लिक्विड मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो है वो बता रहा हूं। जब मैं लिक्विड फॉर्म की बात कर रहा हूं यानी कि मैं आपको वाटर का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अब देखो गैसियस फॉर्म में हमारे सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर, लेकिन लिक्विड फॉर्म में हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, उस वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। मैंने बोला था ना, जब भी दो पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास होंगे तो एक पानी का मॉलिक्यूल अपना क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए थी क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर थे, लिक्विड में गैस के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, इसलिए लिक्विड स्टेट में हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कौन सी बॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन, इस हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यही आया, इन लिक्विड स्टेट वाटर एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिक्विड फॉर्म में बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में कंबाइंड होकर रहते हैं। अब इसमें क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में जो हमारा ऑक्सीजन होगा वो टोटल चार बॉन्ड बनाएगा, चार में से दो बॉन्ड्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, चार में से दो होती है हमारी नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स जो कि इसने हाइड्रोजन के साथ बनानी होती है खुद के हाइड्रोजन के साथ, बाकी के जो दो बॉन्ड्स हैं वो भी हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो इसने बनाई होंगी दूसरे पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ, मतलब दूसरे हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से वो चार बॉन्ड बनाएगा। अब दो बॉन्ड ये खुद बना रहा है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से हमारा जो ऑक्सीजन होता है, एक पानी का मॉलिक्यूल उसका ऑक्सीजन चार पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ कंबाइन करेगा। वन वाटर मॉलिक्यूल इज कनेक्टेड विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, हर पानी के मॉलिक्यूल का यही हाल होगा,
आप लिक्विड के अंदर कोई भी पानी का मॉलिक्यूल देख लो, वन वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल्स. क्यों सराउंड कर रहा है? ड्यू टू एसोसिएटेड नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनका एसोसिएटेड नेचर है, इसलिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके एसोसिएशन शो कर रहा है. एक मॉलिक्यूल चार मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है. तो मैंने आपको लिक्विड फॉर्म में वो स्ट्रक्चर दिखाना है. मैं एक पानी के मॉलिक्यूल को फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता हूं, वही हमारा लिक्विड स्टेट का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पानी का एक मॉलिक्यूल बनाया, ये हमारे पानी का एक मॉलिक्यूल है. अब मैंने बोला था ऑक्सीजन चार बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पे मैंने ऑक्सीजन की दो कोवेलेंट बॉन्ड तो शो कर दी. कौन सी दो बॉन्ड रहेगी? हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पहली और हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरी, ये किसके साथ होगी? अदर वाटर. ये दूसरे पानी के मॉलिक्यूल ये. ठीक है, फिर मैंने बोला था एक मॉलिक्यूल फोर अदर मॉलिक्यूल से कंबाइन होते हैं, तो ये तो मैंने दिखाई दिए, बाकी के तो ये. ये हमारे पास हमारा केस होता है. समझ में आ गया? ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल है इस पे कंसंट्रेट किया, इस ऑक्सीजन के मैंने आपको चार बॉन्ड दिखाए और इस ऑक्सीजन के साथ मैंने आपको चार पानी के, सॉरी इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ मैंने आपको चार पानी के मॉलिक्यूल अटैच दिखा दिए. अगर मैं इस स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करता ना, तो इसके साथ में कितने हाइड्रोजन कितने वाटर मॉलिक्यूल दिखाता? चार. इसके साथ में मैंने एक दिखाया ना, तीन और दिखाता, यहां बनाता, यहां बनाता, एक और बनाता. इस तरीके से स्ट्रक्चर एक्सटेंड हो जाता. पर अपने को पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं बनाना, अपने को सिर्फ यूनिटी दिखानी थी, तो यूनिट मैंने आपको शो कर दी. ये हमारे पास हमारे वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है लिक्विड फॉर्म. तो इसमें अगर कुछ पूछना है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिख दो. ठीक है सृष्टि और सिंदर, ठीक है कीर्ति, कुछ ना कुछ. किसी को पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो यस सर लिख दो प्लीज. ठीक है जी, तो ये था हमारे पास हमारा लिक्विड फॉर्म का स्ट्रक्चर. अब इसमें हमारे पास रह गया एक सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर, यानी कि आइस का स्ट्रक्चर. इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि उस स्ट्रक्चर पे रिलेटेड दो क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें से फिर एक पेपर में पूछ लिया जाता है. सॉलिड स्ट्रक्चर के बाद फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, पानी खत्म हो जाएगा. फिर आप इसके प्योरिटी के बारे में बात करेंगे, परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस, वो सब आप डिस्कस करेंगे. थैंक यू.